बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्दास किचन। और वर्दास किचन में आज बन रही है मज़ेदार सी प्रॉन्स बिरयानी। जो सी फूड लवर हैं उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए देखना, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत आसानी से हम बनाएंगे आज प्रॉन्स बिरयानी। और प्रॉन्स सी फूड, आप फ़िश ले लें, प्राउन्स ले लें, या जो भी सी फूड है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते हैं, बच्चे अक्सर अवॉइड करते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह से बना लें कि जैसे बिरयानी सब शौक से खाते हैं, उसमें अगर आप प्राउन्स भी ऐड कर दें तो मज़ेदार सी प्राउन्स बिरयानी बन जाएगी, हर कोई शौक से भी खा लेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राउन्स बिरयानी बनाना। सबसे पहले आप इन्ग्रीडियंट्स नोट कर लें। यहाँ पर मेरे पास हैं, ऑफकोर्स प्राउन्स बिरयानी बन रही है तो मेरे पास प्रॉन्स हैं। यहाँ पर अराउंड 650 ग्राम्स, 700 के करीब मेरे पास प्राउन्स हैं। इसको मैंने वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है, एंड नाउ इट्स हियर। उसके बाद मेरे पास 1 कप है दही, जिसको मैंने विस्क करके रखा हुआ है। टमाटर का पेस्ट है मेरे पास, 3 अदद मीडियम साइज़ की अनियन जो है उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। और बाकी हमारे पास जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। सबसे पहले क्या करना है हमें, हमने करना है प्रॉन्स को मैरिनेट। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले जो दही है मेरे पास 1 कप, उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। इसको मैंने विस्क करके रखा हुआ था। अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। मेरे पास यहाँ पे गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हीपफुल है वो है मेरे पास। उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, ये जो रेसिपी है इसका रेशो मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से हम बना रहे हैं। जैसे कि मेरे पास 650 ग्राम, नियरली 700 ग्राम के करीब जो है मेरे पास प्राउन्स हैं। और प्लस मेरे पास जो राइस मैं यूज़ करूँगी वो हैं 4 कप, जो नॉर्मल हमारे टी मग्स होते हैं नॉर्मल साइज़ के, वो मैंने 4 कप लिए, क्योंकि अक्सर कप्स में जो है वो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर रेशो जो है मसालों का ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आप लोग मेक श्योर कर लें कि ये जो रेसिपी का रेशो मैं बता रही हूँ वो किस हिसाब से जो है वो ठीक रहेगा। इसको हमने मिक्स कर लिया और इसके बाद इसे मैं ऐड करूँगी लेमन जूस, 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा इसमें। नमक एज़ पर योर टेस्ट, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी कि हम उसमें भी डालेंगे, सही मसाले में लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। ये दोनों चीज़ें मेरे पास 1 टेबल स्पून है, हाफ़ जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, हाफ़ मैं मसाले में ऐड करूँगी, ताकि प्राउन्स में जो है वो अच्छे से फ्लेवर जो है वो आ जाए। और फिर हम एंड में मसाला भूनते हुए इसको डाल देंगे। अब मैं ये सारे प्राउन्स जो हैं इसमें डाल दूँगी और इसको मिक्स करके रख दूँगी मैरिनेट करने के लिए। अगर आपने बिरयानी बनानी है नेक्स्ट डे या मॉर्निंग बनानी है, अर्ली मॉर्निंग, तो आप जो है वो रात में अगर ओवरनाइट इसको मिक्स करके रख दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना एटलीस्ट 1 घंटा आप इसको रख दें तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलें जी, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको मैं रख रही हूँ साइड पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है हम इसका मसाला बनाएंगे। इसको हम साइड पे कर देते हैं। ऑलराइट जी, अब हम बनाते हैं इसका मसाला। चलें जी, हम पैन गरम कर लेते हैं, ऑयल ले लेते हैं यहाँ पे। चलें जी, पैन जो है वो गरम हो गया है। यहाँ पे हम 1/2 कप के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल ऐड कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप जब भी सी फूड बना रहे हैं, स्पेशली चाहे इसकी बिरयानी बना रहे हैं, करी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं आप, उसकी ग्रेवी बना रहे हैं, आपने नमक को बहुत एहतियात से यूज़ करना है। नमक पे आपने हल्का हाथ रखना है, क्योंकि सी फूड जब भी हम बनाते हैं उसमें नमक अक्सर तेज़ हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें सॉल्ट भी होता है। जैसे हम पालक बनाते हैं उसमें भी हम बहुत हल्का हाथ रखते हैं नमक का। आप चख लें, फिर नमक ऐड ऑन कर दें। ऑयल यहाँ पर जैसे ही गर्म हो रहा है, मैं यहाँ पे 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज मेरे पास है, स्लाइस हुई हुई बारीक, वो मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे। और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये फुल मसाले वाली बिरयानी बनेगी, मज़ेदार सी, चटपटी सी। अच्छा, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं प्याज जो है वो नियरली जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी अभी। तो इस पॉइंट पे मैं जो है यहाँ पर ऐड करूँगी गरम मसाला, जिसमें मेरे पास 2 बादियान के फूल हैं, 3 से 4 इलायची है छोटी, दालचीनी है, और मेरे पास लौंगे हैं। ये सारा साबुत गरम मसाला जो है वो मेरे पास मिक्स है यहाँ पे। इसमें काली मिर्च साबुत भी मौजूद है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। काली ये साबुत गरम मसाला जो है ये हम इस पॉइंट पे इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो जितना भी मसाले का जो अरोमा है वो ऑयल में रिलीज़ हो जाए। और उसके बाद जब हम मसाला भूनेंगे, हम पूरी ग्रेवी बनाएंगे इसकी, तो इसके जितना भी जो इसका अरोमा है वो मिक्स हो जाएगा उसमें, अच्छी तरीके से वेल कंबाइंड हो जाएगा आपस में। इसको कंटिन्यू आपने स्टर करते रहना है ताकि ये ना हो कहीं से प्याज ब्राउन हो जाए, कहीं से ना हो। और मेक श्योर प्याज जो है बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो, डार्क ना हो, वरना आपका जो मसाला है, जो कोरमा जिसे हम कहते हैं, हम बनाते हैं, वो काला पड़ जाएगा। और जी आप देखें प्याज जो है वो बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। हम इससे ज़्यादा डार्क इसको नहीं करेंगे। मैं कंटिन्यू इसको स्टर कर रही हूँ ताकि जो थोड़ी बहुत प्याज रह गई है वो भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छा, अब इस पॉइंट पे मेरे पास है यहाँ पे टमाटर का पेस्ट। 3 से 4 अदद मेरे पास टमाटर थे। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 3 ले लीजिए, छोटे हैं तो 4 ले लीजिए। उसको आपने ब्लेंड करके उसका जस्ट एक सिंपल सा पेस्ट बना लेना है। और इस पॉइंट पे देखिए, इतनी जब आपकी प्याज जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, आपने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। इससे डार्क हम नहीं करेंगे। अगर इससे डार्क आपने किया, चाहे आप कोई भी बिरयानी बना रहे हों, बीफ, चिकन, मटन, इससे ज़्यादा डार्क करेंगे तो कोरमा जो है वो काला पड़ जाएगा। नाउ देखें इक्वली प्याज जो है इवनली जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे सवाल बनता है कि मैंने टमाटर का पेस्ट पहले ऐड क्यों किया, मैंने प्राउन्स ऐड क्यों नहीं किया। यहाँ पे यूजली हम प्याज ब्राउन करके जो है वो मटन या चिकन जो भी है उसको भूनते हैं। हम यहाँ पे इसलिए पहले प्याज ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम बना रहे हैं सी फूड की बिरयानी। तो चाहे आप फ़िश की बनाएं, चाहे आप प्राउन्स की बनाएं, सी फूड जो है वो बहुत जल्दी जो है वो गल जाता है, जैसे स्टीम पे आ जाता है। तो इसमें भी टमाटर पानी छोड़ेंगे। हमने उसको दही में मैरिनेट किया हुआ है, वो भी पानी छोड़ेगा तो वो ओवर कुक हो जाएंगे। तो मेक श्योर हमें प्राउन्स को या आप फिश बना रहे हैं उसको हमें ओवर कुक नहीं करना है। तो इस वजह से हम जो है टमाटर का पानी पहले खुश कर लेंगे। ये देखिए ब्लेंड हो गया है आपस में। अब जो रिमेनिंग हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया था यहाँ पे, एज़ पर योर टेस्ट आप ले सकते हैं। हाफ नमक मैंने मैरिनेशन में डाला है, हाफ अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर हाफ मैरिनेशन में गया, बाकी यहाँ जा रहा है। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, दैट्स इट। गरम मसाला हम डाल चुके हैं। अब इसके बाद हम मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड करे हैं वो कच्चे ना रह जाएं। अब जैसे ही थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट होगा, इसमें हम मैरिनेट किए हुए प्राउन्स ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है मसाले से, मसाला जो है वो भुन गया है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हम जो है प्राउन्स ऐड कर देंगे क्योंकि हमें मसाला, अगेन मैं कहूँगी, ओवर कुक आपने नहीं करना है। मैरिनेट हुए प्राउन्स हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकने दूंगी ताकि प्राउन्स जो तरीके से गल जाएं, उसमें कोई हीक ना रह जाए, वो कुक हो जाएं। और उसके बाद फिर हम जो है वो लिड हटा के इसका पानी खुश करेंगे क्योंकि अभी दही भी जो है वो पानी छोड़ेगा अपना। इसको हम कवर कर देते हैं और फ्लेम को मीडियम करके इसको मैं 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जी 5 मिनट हो चुके हैं, मैं इसका लिड हटा के देख रही हूँ। ये देखिए आप देखें प्राउन्स ने कलर चेंज कर लिया है और ये राउंड भी हो गए, जिसे हम कहते हैं कि सी शेप में आके राउंड हो जाते हैं प्राउन्स। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे आप देखें दही ने भी पानी छोड़ दिया, अपना रिलीज़ किया है, और प्राउन्स ने भी छोड़ा है, टमाटर का भी पानी इसमें था वो जो हम ड्राई कर चुके हैं, तो ये थोड़ा सा लिक्विडी हो रहा है। मेरे पास यहाँ पर 4 से 5 अदद ड्राइड आलू बुखारे हैं, ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो ऐड कर दें इसमें। अच्छा, और अब क्या करूँगी मैं, अब इसके बाद इसको मैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सी फूड जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो हमें इसको ओवर कुक नहीं करना है। तो अब यहाँ पे मैं इसको फ्लेम फुल करके, हाई फ्लेम करके इसको मैं लिड नहीं रखूँगी, इसको खुला छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसकी पूरी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑन एंड ऑफ आपने इसको स्टर करना है ताकि नीचे से ना लग जाए। तो जब पानी खुश्क होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ओके जी, आप देख सकते हैं मसाला पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप देखें कितना भुना हुआ सा कोरमा जो है बिरयानी के लिए रेडी हो चुका है। अच्छा, इस पॉइंट पे आप नमक मिर्चें जो हैं वो टेस्ट कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए क्योंकि जब चावल के साथ वो मिलेगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आप नमक मिर्ची थोड़ी चख लीजिएगा। नमक मिर्ची यूजली जो हम कोरमा बनाते हैं उस हिसाब से थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए ताकि वो बैलेंस हो जाए। और उसके बाद लास्ट में मैं यहाँ पे केवड़ा एसेंस है थोड़ा सा, मैं वो डालूँगी यहाँ पे, एंड दैट्स इट। इसको फिर हम स्टोव जो है वो बंद कर देंगे और अब हम चलते हैं लेयरिंग की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने राइस जो हैं वो ऑलरेडी बॉईल करके रख लिए थे पहले। इसको बॉईल करने का सिंपल सा तरीका है, आपने पानी लिया है, उसमें नमक डाल के, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, बे लीव्स वगैरह डाल के 6 से 7 टीस्पून जो है वो नमक डाल के इसको बॉईल कर लें। 3/4 आपने डन करना है, ओवर कुक नहीं करना है आपने। और दूसरी बात ये कि चावल जो है थोड़ा सा राइस खिला खिला रहे, इसके लिए क्या कहते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं ये, जब पानी बॉयल हो रहा हो यानी कि चावल आप डाल चुके हैं और उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आप विनेगर डाल दीजिए उसमें 2 टेबलस्पून, तो उससे चावल जो है वाइट रहते हैं और अच्छा लगता है, राइस खिला खिला सा दाना लगता है। अब लेयरिंग के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो खुला बर्तन ले लें, बड़ी पतीली लें ताकि उसमें चावल जो है वो आपस में मिक्सअप ना हो, थोड़े से आराम से जो है वो अच्छे तरीके से खिले खिले बने। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं अंदर डाला है, सिर्फ मैं जस्ट हाफ ऑफ द राइस जो हमारे हैं, मैं सिर्फ 2 लेयर लगाऊँगी इसकी। हाफ राइस मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ये देखिए ऐसे। अब जो इस पर हमने जो प्राउंस का कोरमा बनाया है वो हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे, पूरा हम ऐड कर देंगे इस तरह से। अच्छा, इस तरह से आप इसको इवनली स्प्रेड कर दें चारों तरफ ताकि जब हम दम लगा के बिरयानी मिक्स करेंगे तो इवनली हर जगह प्राउंस जो हैं वो हमें मिल जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें मेरे पास ये हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने स्लाइस कट करके रखी हुई है, वो डाल देंगे हम इसमें ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। मैंने यहाँ पे बुलेट ग्रीन चिलीज़ यूज़ करी हैं क्योंकि इसमें मिर्चें कम होती हैं, खुशबू ज़्यादा होती है और ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। इस तरह से हम डाल देंगे, प्लस स्लाइस्ड लेमन आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसकी लेयर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ स्लाइस्ड लेमन क्योंकि ऑलरेडी मैं लेमन जूस ऐड किया है तो बहुत ज़्यादा खटास आ जाएगी, तो हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से यूज़ कर सकते हैं। और अब बाकी रिमेनिंग चावल जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, अब इसमें एंड में क्या है मेरे पास, है यहाँ पे एसेंस बिरयानी का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, उससे एक बहुत अच्छा सा खुशबू आ जाएगी। अच्छा, अगर तो आपके पास लिक्विड येलो फूड कलर है आप वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल पाउडर्ड कलर है, वो मैं थोड़े से मिल्क के साथ इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आप अपना डिज़ायर्ड कलर बना सकते हैं, जितना डार्क आपको कलर चाहिए। मुझे थोड़ा सा लाइट अच्छा लगता है येलोइश सा, तो मैं इतना कलर डार्क करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। और ये हम स्प्रेड कर देंगे ऊपर चावलों के, ये देखिए इस तरह से। दैट्स इट। और अब हम इसको दम पे रख देंगे। दम हम देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। पहले आपने फ्लेम जो है वो बहुत हाई रखनी है, फुल फ्लेम रख के, उसके बाद जब 5 मिनट बाद आपने फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है ताकि वो दम पे इजीली आ जाए। अभी मैं 5 मिनट के लिए स्टोव जो है वो तेज़ कर दूंगी। उसके बाद जब थोड़ी सी भाप बन जाएगी अंदर, 5 मिनट बाद मैं फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दूँगी और 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। आपने लिड बिल्कुल नहीं हटाना है वरना दम ख़राब हो जाएगा। 10 मिनट के लिए बिल्कुल इसको छोड़ दें। ऑलराइट जी, 15 मिनट जो है वो हो चुके हैं, दम ऑलमोस्ट लग गया होगा। मैं हटा के देख रही हूँ कि धुआं आना स्टार्ट हो गया था साइड पे से, तो इट मीन्स के स्टीम निकलना शुरू हो गई और ये देखें ज़बरदस्त सी जो है वो बिरयानी हमारी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। स्टोव में यहाँ पे बंद कर रही हूँ। अब इसको हम बहुत हल्के हाथ से मिक्स करके देखेंगे। क्या खुशबू आ रही है। मैं सी फूड लवर हूँ, आप लोगों का पता नहीं। अच्छा जी, इसको अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे एंड देन फिर हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ऑलराइट जी, तैयार है मज़ेदार सी प्रॉन्स बिरयानी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। बहुत ही आसान थी, सिंपल इंग्रेडिएंट से बनी लेकिन बहुत ही मज़े की बनेगी। ट्राई करिएगा और टैग करना मत भूलिएगा। और साथ साथ वरदास किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है ख़त्म। मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ईट गुड एंड फील गुड। प्रॉन्स बिरयानी। अच्छा, प्रॉन्स आधा किलो, चावल आधा किलो भीगे हुए, अनियन स्लाइस 2 दरमियानी, टमेटो पेस्ट 3 खाने के चम्मच, दही 1 या आधा कप, बे लीव्स 2, स्टार एनीस 1, लौंग 4 से 5, काली मिर्च 5 से 6, दालचीनी 2 डंडी, छोटी इलायची 3 से 4, ड्राई आलू बुखारा 2, लेमन जूस 3 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, केवड़ा एसेंस 1 टेबलस्पून, हरा धनिया, हरी मिर्च 2 या 3, येलो फूड कलर, brown onion for garnishing, sliced lemon for garnishing.